हम जो भी पढ़ने वाले हैं इंटरनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए, इसके पहले भी वीडियोज हैं उसको आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ फोर बियरिंग अगर वैल्यू दी हुई हो और उससे बैक बियरिंग फाइंड आउट करके और इसके इंटरनल एंगल जो ये ट्रावर्स बन रहा है, जो क्लोज ट्रावर्स बन रहा है, उस क्लोज ट्रावर्स के इंटरनल एंगल अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे, अगर सिर्फ फोर बियरिंग वैल्यू दी हो और उसे मुझे इंटरनल एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे बैक बियरिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, बैक बियरिंग वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा। और बैक बियरिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर फोर बियरिंग की वैल्यू दी हुई हो तो अगर 180 डिग्री से कम है, जो भी वैल्यू दी हुई हो फोर बियरिंग की 180 डिग्री से कम है तो 180 डिग्री उसमें ऐड कर देंगे तो बैक बियरिंग हो जाएगा। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है उसमें 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो बैक बियरिंग वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 45 है तो 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 225 डिग्री। उसके बाद से 150 डिग्री, ये भी 180 डिग्री से कम है तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो 330 डिग्री। 225 क्या है, ये ज़्यादा है तो इसमें 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। और ये 330 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें भी 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाता है 150 डिग्री। इस तरीके से फोर बियरिंग बैक बियरिंग हमें फाइंड आउट हो जाती है। और फोर बियरिंग बैक बियरिंग वैल्यू दी हो तो सबसे पहले इसका ट्रावर्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रावर्स। तो देखिए ए बी, ए से बी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ और ए से बी 45 डिग्री पर फोर बियरिंग है तो 45 डिग्री है मेरा यहाँ पर आता है, ये 45 डिग्री होता है तो ये ए से बी ड्रॉ हो गया। उसके बाद से क्या है, बी टू सी 150 डिग्री, 150 डिग्री ये 90 यहाँ पर 150 आएगा, ये बी टू सी हो गया। ठीक है, उसके बाद से सी टू डी 225, 180 से ज़्यादा होगा अप्रॉक्सीमेट इसमें आएगा और लास्ट वैल्यू 225 होगा और लास्ट वाले को डायरेक्ट मैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये क्लोज ट्रावर्स बन गया। और कैसा बन रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गया, ये जो ट्रावर्स बना है किसमें गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर लिख देंगे दिस ट्रावर्स एंगल ए अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो बैक बियरिंग इसकी और इसकी फोर बियरिंग का, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग होता है, लेकिन बैक बियरिंग किसका लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल अगर ए फाइंड आउट करना है, देखो ए यहाँ पर है, एक ये ए यहाँ पर है तो इसका ये वैल्यू है, ये बैक बियरिंग होगा, यहाँ सेकेंड नंबर पर मतलब बैक बियरिंग ये वैल्यू होगी और फोर बियरिंग मतलब इसका फर्स्ट वैल्यू ये फोर बियरिंग होगी। तो बैक बियरिंग ऑफ किस लाइन होना, डी ए लाइन, बैक बियरिंग ऑफ डी ए माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी। अब देखिए बैक बियरिंग ऑफ डी ए वैल्यू यहाँ पे चेक करना पड़ता है, डी ए की वैल्यू 150 डिग्री है और फोर बियरिंग 45 है तो ये बैक बियरिंग ज़्यादा है तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू कम हो रही है, सपोज दैट ये बैक बियरिंग कम हो रहा है तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करूंगा उसके बाद इंटरनल एंगल फाइंड आउट करूंगा। ये फॉर्मूला होता है क्लॉक वाइज के लिए, एंटी क्लॉक वाइज हो तो ये रिवर्स हो जाता है, पहले फोर बियरिंग उसके बाद बैक बियरिंग। तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है, ये कितना है 150 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये माइनस कर लेंगे 150 में 45 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ जाता है किसका, मैं एंगल ए को फाइंड आउट किया, एंगल ए मिल गया। उसके बाद से एंगल बी फाइंड आउट करेंगे, एंगल बी के लिए इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, ये बी के लिए, बी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इसका फोर बियरिंग होगा और ये इसकी बैक बियरिंग होगी, इसमें भी बैक बियरिंग ज्यादा है तो सिंपल से लिख लेंगे बैक बियरिंग ऑफ कौन सी लाइन का, बैक बियरिंग अगर सी एंगल बी एंगल फाइंड आउट करना है तो बैक बियरिंग ए बी लाइन का माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन का, कितना है 225 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। इस तरीके से 75 बी का फाइंड आउट हो गया। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगा एंगल सी, एंगल सी का मैं इंटरनल एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ। C
सी क्या देखिए सी की बात कर रहा हूँ मैं तो सी टू डी ये इसका फोर बेयरिंग होगा ये बैक बेयरिंग बैक बेयरिंग इसमें वैल्यू क्या है ज्यादा है तो ये भी यहाँ पे इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा अगर बैक बेयरिंग की वैल्यू ज्यादा नहीं कम हो रही है तब हम सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करते हैं जो बिगर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी उसके बाद उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो इंटरनल मिलता है तो यहाँ पर भी देख रहे हैं एंगल अगर सी में फाइंड आउट कर रहा हूँ तो बैक बेयरिंग ऑफ बी सी लाइन बैक बेयरिंग ऑफ बी सी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ सी डी कितनी वैल्यू है 330 डिग्री माइनस 225 डिग्री इसको इसमें से माइनस कर लेंगे कैल्सी का यूज करके 330 डिग्री वाला सिंबल ये सिंबल क्लिक करेंगे माइनस 225 डिग्री वैल्यू 105 आता है 105 डिग्री एंगल सी भी मिल गया इंटरनल एंगल एंगल डी फाइंड आउट करेंगे एंगल डी तो एंगल डी अगर फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या होगा बैक बेयरिंग ऑफ सी डी ये वैल्यू और फोर बेयरिंग ऑफ डी एल यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे एंगल डी फाइंड आउट करना है इंटरनल एंगल सॉरी एंगल डी यहाँ पर इंटरनल एंगल लिखेंगे क्या लिखेंगे बैक बेयरिंग ऑफ कौन सी लाइन हो रही है बैक बेयरिंग सी डी ठीक है बैक बेयरिंग ऑफ सी डी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ डी ये वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे बैक बेयरिंग क्या है कम है फोर बेयरिंग से तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल एंगल जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करेंगे और एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा एफ बी माइनस बी और इसकी वैल्यू क्या है एफ बी का 330 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये मैं माइनस कर लूंगा 330 माइनस 45 माइनस किया तो 285 डिग्री ये एक्सटर्नल एंगल आया और उसका इंटरनल एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा 360 माइनस एक्सटर्नल एंगल 360 माइनस ये 285 कर दूंगा 360 माइनस 285 किया कितना आ गया 75 डिग्री ये एंगल डी मिल गया सारे एंगल मिल गए इंटरनल एंगल ए बी सी डी सारे इंटरनल एंगल मिलने के बाद हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है करेक्ट है या नहीं है और करेक्ट चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ सारे एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 ब्रैकेट इनटू 90 n साइड बताता है कितने नंबर ऑफ साइड है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितने हैं ड्रॉवर्स के 4 साइड है तो वैल्यू पुट कर दो ये सारी जो वैल्यू दी है अगर इक्वल हो रहे हैं तो ओके हो जाएगा तो वैल्यू पुट कर लो ए की वैल्यू 105 75 105 और 75 ऐड कर लेंगे 105 75 और यहाँ पे साइड क्या दिया 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 2 4 8 माइनस 4 4 9 360 ये 360 आ रहा है इनको ऐड करने पे भी मेरा ये 360 आ रहा है और दोनों इक्वल हो रहा है तो ओके जो मैंने चेक किया हेडिंग यहाँ पे चेक डाल देंगे जो चेक किया वो क्या है करेक्ट आंसर है इस तरीके से हम इंटरनल एंगल फाइंड आउट करते हैं सिंपल सा याद रखना है यहाँ पे अगर ये क्लॉकवाइज है तो फॉर्मूला ये यूज करना है एंगल इंटरनल एंगल फाइंड आउट के लिए बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग आपको ध्यान में रखना है कैसे लिखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक बेयरिंग ऑफ डीए क्यों लिखा यहाँ देखो डीए में ए एंगल फाइंड आउट करा है ये सेकंड नंबर पे लिखा है मतलब हम फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग सेकंड नंबर पे लिखते हैं कि सेकंड नंबर पे ए की वैल्यू होगी और फर्स्ट नंबर पे फोर बेयरिंग की वैल्यू होगी ए को फाइंड आउट करा है बी को अगर चेक करोगे देखो बी ये सेकंड है ये बैक बेयरिंग हो गया ये फर्स्ट है फोर बेयरिंग हो गया सी को देखोगे तो ये सेकंड और ये डी को देखोगे तो ये सेकंड ये फर्स्ट इस तरीके से वैल्यू इंडिकेट करने आपको आ जाएगा इस तरीके से फाइंड आउट करोगे तो आपका इंटरनल एंगल फाइंड आउट हो जाएगा सेम उसी तरह से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर ट्रावर्स बना है सपोज दैट जिसने भी रीडिंग नोट डाउन किया होगा उसने रीडिंग एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन किया एंटी क्लॉकवाइज अगर रीडिंग नोट डाउन किया तो सिंपल
सिंपल से फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा, तो पहले कोई भी नहीं होगा, उसके बाद बैक भी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।